ठाकरे गुट के बड़बोले नेता संजय राउत अपने विवादित बयानों की वजह से बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल संजय राउत अक्सर ऐसे बयान दे बैठते हैं जो उनके लिए तो परेशानी का सबब बनते ही हैं, साथ में उद्धव ठाकरे की भी फजीहत करवा देते हैं। संजय राउत अब अपने गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर के सियासी पचड़े में फंस चुके हैं और ये कार्रवाई सीधे सदन से होने वाली है। संजय राउत के खिलाफ में कार्रवाई को लेकर के क्या बड़ी खबर है, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर के कार्रवाई तेज हो चुकी है। आज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर ने कहा है कि वो सांसद संजय राउत के खिलाफ में लाए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में राज्यसभा सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानमंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने एक विवादास्पद बयान दिया था। उनके इस बयान की विधानसभा में तीखी आलोचना की गई थी। तमाम नेताओं ने, इवन तमाम जो विपक्षी नेता थे वो भी संजय राउत को पानी पी पी करके कोस रहे थे। हालांकि संजय राउत ने इसको लेकर के अपनी सफाई भी दी थी, जिस पर स्पीकर ने कहा कि संजय राउत का जवाब संतोषजनक नहीं है, इसलिए अब यह प्रस्ताव राज्यसभा में विचार करने के लिए भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए उनके खिलाफ में लाया गया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाए या नहीं, इस पर अब राज्यसभा दरअसल विचार करेगी और जो भी फैसला होगा वो निकल करके सामने आएगा, चाहे फिर वो संजय राउत के खिलाफ में हो या फेवर में। शिवसेना नेता संजय राउत ने विशेषाधिकार हनन को लेकर फैसला लेने के लिए नियुक्त की गई समिति पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि राउत को यह डाउट है कि फैसला उनके खिलाफ में ही आएगा। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ में बयान दिया है वही लोग इस समिति के सदस्य हैं और जानबूझ करके उनके विरोधियों को इस समिति का दरअसल सदस्य बनाया गया है। उन्होंने कहा था कि समिति तटस्थ होनी चाहिए। दरअसल संजय राउत ने अपने कोल्हापुर दौरे के दौरान 1 मार्च को मीडिया से बातचीत में विधानमंडल को लेकर के विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये विधानमंडल नहीं चोर मंडली है। उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए विधायक अतुल भातखलकर ने उनके खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की थी। उसी दिन संजय राउत के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया था। इसके जवाब में संजय राउत ने कहा था कि उन्होंने ये बयान विधानमंडल को लेकर नहीं बल्कि विधानमंडल में बैठे एक गुट को लेकर के दिया था। हालांकि संजय राउत पहले इस तरीके के टेढ़े मेढ़े बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और उनकी जमकर के फजीहत होती हुई दिखाई देती है और फिर संजय राउत सफाई देने के लिए आते हैं सड़क पर, जब उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है शुरू हो जाती है, कानूनी हंटर चल जाता है, तो फिर तुरंत अपनी बात से पलटते भी दिखाई देते हैं संजय राउत। लेकिन इस बार विशेषाधिकार के पचड़े में संजय राउत इस कदर फंस चुके हैं कि मुझे लगता है कि इससे अब उनका निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और वो भी ऐसे दौर में ये कार्रवाई होने वाली है जब महाराष्ट्र में मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी होने के बाद में संजय राउत के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रही है, जो जिस समिति का गठन किया गया है जो इस पूरे के पूरे प्रकरण की जांच करेगी, उसे संजय राउत अपने विरोधियों की समिति बता रहे हैं। संजय राउत का ये दावा है कि जो भी नेता उनके विरोधी हैं, जो भी दरअसल उनसे परेशान हैं, उन लोगों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है, तो जाहिर तौर पर वो मेरे अगेंस्ट में ही फैसला सुनाएंगे। संजय राउत की हालत देख करके मुझे दरअसल एक शेर याद आता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनासिब है, मेरे हक में फैसला देगा क्या। तो संजय राउत की स्थिति इस तरीके से बनी हुई है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुनासिब है, वो मेरे हक में फैसला देगा क्या, समिति पर साफ तौर पर वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और उनका मानना है कि ये समिति न्यायपूर्वक, निष्पक्षपूर्वक इस प्रकरण की जांच कर ही नहीं सकती और उनके खिलाफ में ही फैसला आएगा। संजय राउत साफ तौर पर इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन ये कोई पहली बार नहीं है, ये तो सिर्फ एक समिति है जिस पर संजय राउत सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं, संजय राउत चुनाव आयोग के दरअसल जो फैसले होते हैं उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, जो इस देश की जांच एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर भी संजय राउत सवाल खड़े करते हुए अक्सर नज़र आते हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब संजय राउत की तरफ से उस समिति पर सवाल खड़े किए जा रहे हो जब संजय राउत पर के खिलाफ में जो जांच करेगी। अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन्होंने विधानमंडल को चोर नहीं बताया था, उन्होंने तो विधानमंडल के एक गुट को चोर बताया था। हालांकि जो पहले बयान दिया गया और अब जो संजय राउत सफाई दे रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गौरतलब यह है कि जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ में 39 विधायकों के साथ में बगावत की थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में महाराष्ट्र में सरकार बनाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, तब से लगातार संजय राउत, उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे पर तमाम टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। और इन टीका टिप्पणी में आपने अक्सर देखा होगा जो कॉमन स्टेटमेंट्स रहे हैं अभी तक वो यही हैं कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी करके उद्धव ठाकरे को धोखा दिया है, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के तमाम विधायकों को चुराया है। इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे के लिए पिछले लंबे समय से होता आ रहा है जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके महाराष्ट्र की वो सत्ता पर काबिज हुए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ऐसे बयानों को इग्नोर करते हुए उद्धव ठाकरे गुट को एक के बाद एक झटके पर झटके देते जा रहे हैं। जो तमाम उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं, उन तमाम 39 विधायकों के अलावा एक एक करके तमाम जो नेता थे, जो तमाम विधायक थे, सांसद थे, वो एकनाथ शिंदे के गुट में लगातार शामिल हो रहे हैं और अभी भी शामिल हो रहे हैं। और उद्धव ठाकरे के पास में 13 सांसदों में से महज 3 सांसद बचे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट की कितनी दयनीय स्थिति है। और संजय राउत का ये मुझे लगता है कि जिस तरीके की वो बयानबाजी दे रहे हैं वो दरअसल फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे ने बगावत के बीज बोए हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, उन बीजों को कुचलने में उद्धव ठाकरे गुट पूरी तरीके से नाकाम और विफल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से संजय राउत की तरफ से इस तरीके के बड़बोले बयान दिए जाते रहे हैं। हालांकि संजय राउत एक ऐसे मंझे हुए नेता हैं, खासतौर पर बयानों को लेकर के। पहले तो लंबी लंबी डींगे मारते हुए दिखाई देंगे, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने का मौका मिलेगा, जैसे ही कोई मीडिया वाला उनसे इंटरव्यू करने के लिए पहुंचेगा, जैसे ही उनके सामने माइक आता है, संजय राउत अपना आपा खो बैठते हैं। और फिर उन्हें ये पता नहीं चलता कि जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं नेताओं के लिए या फिर किसी के लिए भी, क्या वो संवैधानिक हैं, क्या वो संसदीय शब्द हैं। बाद में जब संजय राउत के खिलाफ में कार्रवाई होती है, जब उनके खिलाफ में कानूनी हंटर चलता है, तो संजय राउत अपने ही बयानों से दरअसल मुकरते हुए दिखाई देते हैं और फिर बार बार यही कहते हैं कि मीडिया ने उनके बयानों का गलत मतलब निकाल लिया है, उनका कहने का मतलब ये नहीं बल्कि वो था। तो कुल मिलाकर के अपने ही बयानों की वजह से संजय राउत अब विशेषाधिकार हनन के नोटिस में दरअसल उसके पचड़े में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ में राज्यसभा के सभापति से कार्रवाई की मांग की गई है। समिति जांच कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।